जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। कहाँ से आए हैं आप? आई है डस्के पसरूर रोड से, मुख्ता मंड गाँव है, उधर से आए हैं। अच्छा नाजरीन, ये हमारे साथ एक हीमोफीलिया पेशेंट फैमिली है और इसके साथ एक बच्चा है जो कि टांग से माजूर है, तो इनसे पूछते हैं कि इनको ये बीमारी कब से है और दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले इन्होंने कहाँ से इलाज करवाया है। जी मुझे बताइएगा कि आपने आपका जो बच्चा पेशेंट है ये दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आने से पहले आपने कहाँ से इलाज करवाया इसका? सरदार बेगम हॉस्पिटल है, 6 साल 6.5 साल की उम्र है, तो तकरीबन 10 माह का से जो सू पता चलिया है, ये खतने किए ने तो सू पता चलिया कि इनू है सोन ही लुफी ली आए, तो उस तो बाद अपना फिर सू उन्होंने एड्रैस दिता भी इन्हों का दिया वेलफेयर वालों का, उस टाइम तो लैके से दिया वेलफेयर वाले को आ रहे हैं। कितना अर्सा हो गया आपको दिया वेलफेयर में? तकरीबन 6 साल के करीब टाइम हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपको क्या क्या खिदमात मिल रही हैं? अलहमदुल्ला बच्चे की खिदमात मिल रही है, जो भी इनू कोई प्रॉब्लम होंगी है साढ़े नाल निशाना बिशाना खड़े होंगे ने, जिस टाइम सानू जरूरत पे रात के किसी भी पैर सानू, कई बार ऐसा भी होया कि रात 1-2 बजे भी जरूरत पई है तो असं लैके आए हैं, तो साढ़े नाल उन्होंने तावन किया है जी। अच्छा आपको जो अद्वियात दी जा रही हैं वो मुकम्मल तौर पर फ्री हैं? बिल्कुल फ्री है। अच्छा आज आपको पता है कि जिस तरह वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, तो आप हमारे नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे? नाजरीन की यही रिक्वेस्ट है कि इस अदारे के नाल तावन किया जाए, इन्होंने नाल मस्तक बच्चों के नाल ये करते हैं तावन, तो तुम इन्हों नाल तावन करो, सदका फितराना जकात हकदार ने, इन्हों दिता जाना चाहिए, यही रिक्वेस्ट है जी। बहुत शुक्रिया जी।